नंबर लिखिए 12810 क्या हो गया? अरे बच्चे डाल दिए थे उसकी बीवी और उसका। अविनाश सर आपको मैम बुला रहे। बाबू किधर जाना है? कितने जल्दी बोलो। रोना धोना स्टार्ट हो गया है। सो हे गाइस वेलकम टू द न्यू ट्रेन जर्नी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हावड़ा जंक्शन से, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, आपने सही सुना, 23 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जो कि काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। हमारी जो यात्रा स्टार्ट होगी वो हावड़ा से ही होगी। आज हम यात्रा करने वाले हैं हावड़ा मुंबई मेल में। तो 8:07 में उसका टाइम है यहाँ से निकलने का। जी दोस्तों, आ गया मैं एक अलग दुनिया में, मतलब कि 17 से लेके 23 तक जो प्लेटफॉर्म है वो यहीं पर है। इस पे लगनी थी लेकिन 21 पे लगी है हमारी हावड़ा मुंबई मेल, और ये शंटिंग लोकोमोटिव था जो कि WDG-4D का था। तो दोस्तों ये लगी है हमारी हावड़ा मुंबई CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मेल, जो कि हर दिन शाम को 7:50 पे हावड़ा जंक्शन से निकलती है। तकरीबन 1963 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन सुबह 4:25 पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि मुंबई पहुंचाती है। और दोस्तों इस ट्रेन से हमारी 32 घंटे और 35 मिनट की जर्नी होने वाली है, जिसमें हम 36 स्टॉप्स को कवर करने वाले हैं। 12810 इसका ट्रेन नंबर है, अप एंड डाउन एक नंबर बढ़ा के लगा लो भाई। इधर से भर गया अपना कोच, पूरा फुल हो चुका है भाई इधर से। एंड ये देखो मिल गई हमें 55 डाउन एंड 56 ऊपर। चलिए बैग रख लेते हैं ऊपर। बाकी भाई टाइम तो नहीं है लोकोमोटिव दिखाने का, पर रिस्क लेके लोकोमोटिव दिखाना बनता है क्योंकि 10 मिनट बचे हुए हमारी ट्रेन निकलने को। लगा दोस्तों अपनी ट्रेन के साथ VAP 7, अंधेरे में पता नहीं आपको दिखा भी होगा कि नहीं दिखा, बट VAP 7 लगा जो कि संतरागाछी शेड का है। फर्स्ट टाइम सुना मैंने संतरागाछी भी कोई शेड है। 7:50 होने वाले हैं और यहाँ पे सीटियाँ बजना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि बिसल्स बजना स्टार्ट हो गई हैं कि अपनी ट्रेन निकलने वाली है। फिर रोना धोना स्टार्ट हो गया है, जुदाई हो रही है, यहाँ पे एक परिवार बिछड़ रहा है। बिछड़ किससे रहा है वो नहीं पता, लेकिन काफ़ी रो रही है ये मैडम, मैंने कब से देखा इनको। चलो देख लो डिपार्चर अब। एंड यहाँ पे देखिए जैसे हर बार रिवाज चलता है कि छोड़ने आते हैं घर वाले, एक बंदा जाता है उसको 20 बंदे छोड़ने आते हैं। इधर मारते हैं वॉशरूम पे, यहाँ पे डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर गायब कर दिया है। डस्टबिन यहाँ भी, डस्टबिन, वॉश बेसन ठीक है भाई, खस्ता हो गया, एक गुटखा खा खा के खराब कर दिया। वाटर टैप चल रहा है, सोप यहाँ होता ही नहीं है तो दिखाने का क्या मतलब। मिरर क्लीन है, बाकी अंदर भी चलते हैं, अंदर तो आ गए भाई। यहाँ भी पानी नहीं है भाई, देखो पानी ने जवाब दे दिया। वाटर टैप बेकार हो गया, ये आगे चलेगा ऊपर चलेगा कैसे चलेगा कुछ पता नहीं है। वॉश बेसन बहुत बेकार है। एंड यहाँ पे एग्जॉस्टर लाइट मिरर ठीक है, मिरर। बाकी वॉशरूम की बात करें तो इतना भी क्लीन नहीं है जितना होना चाहिए, बट अब काम तो वही चलाना पड़ेगा ना। देखिए भाई डिपार्चर हावड़ा से, यहाँ पे पहले यात्री नहीं था।
कितने तीन टो 20 रुपया जल्दी बोलो। हाँ 20 रुपया का 3 टो 20 रुपए का 3? नहीं यार बहुत महंगा है। ये बढ़िया है ना जर्दा, ये बढ़िया है जर्दा, उसे विमल से बढ़िया जर्दा होता है ना फ्री। ना इसका ज्यादा वो होता है। हाँ मजे से डालो और चलो। ये अंकल खा रहे हैं विमल। विमल है कौन सा ब्रांड है? विमल विमल इधर विमल ही चलता है ना ज्यादा। वो अब कंफ्यूजन हो गया कि इधर है या इधर है। इधर अंकल इधर है, आ जाओ। परेशान हो गया ना, रात को सोना नहीं मिला। एंड ये अपने को पैसेंजर शादी को छोड़ के आर ए सी होती है ना, जिसमें दो अजनबियों को रात एक साथ बितानी पड़ती है ना। बैठा लो तो कल्याण तक जाना आपको। ये हम स्किप कर रहे हैं अभी। कौन सा स्टेशन है भाई ये? कौन सा स्टेशन है ये? हाँ 100 रुपया अंडा बिरयानी और 120 रुपया चिकन बिरयानी। सिंपल नहीं है? सिंपल सादा। हाँ बिरयानी होगा। कितने का? 90 रुपया सादा। 90 रुपया और 100 रुपया अंडा। अंडा दो अंडा आएगा उसमें। और चिकन में वो भी अगर पीस रहा तो दो आएगा, लेग रहा तो एक आएगा। अच्छा अच्छा चलो अंडा लिख दो। अंडा कितना? एक दो 55 55 55। हाँ पहले दिन आपका सफर साथ रहेंगे हम, पूरे दिन खाना खिलाएंगे। अगर बढ़िया रहा कल फिर से करेंगे, ठीक है। तो पैंट्री से खाना ऑर्डर करा है, भैया बोल रहे थे अच्छा है, देखते हैं भाई कैसा रहता है। सर ऊपर वाला बंदा कब आएगा? हाँ सर ऊपर वाला बंदा कब आएगा? कल। ऊपर वाला बंदा हवा से ही है? नहीं है। हाँ हवा से है, फीमेल है। बाबू किधर जाना है? किधर जाना है? बॉम्बे। अंदर बैठ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ अंदर, थक जाओ कैसे बैठे बैठे। पूरी 2 दिन ऐसे ही रहना है। सलूट है यार, बहुत हार्ड वर्किंग हो। पूरे 2 दिन ऐसे ही जाएंगे बैठ के। आप जा सकते हो? मालूम नहीं। कर दो ऐसे, भाई के लिए इतना नहीं कर सकते। ऐसे कर दो, चलो ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे यार कर दो। मैं जाऊं फिर कोच में सो जाऊं फिर। हाँ गुड। आ गया खाना? कौन सा है मेरा? ये रहा ना अंडा बिरयानी। जल्दी जाकर वापस। तो दोस्तों दिल्ली से, ओह क्या बोल रहा हूँ, सो दोस्तों हावड़ा से लगभग 114 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन के पहले स्टॉपेज पे, जो अपना खड़गपुर जंक्शन। जी हाँ 12 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, जो कि इंडिया का थर्ड
लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला जंक्शन है ये, क्योंकि जो इसके प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो है 1072 मीटर्स। लंबा प्लेटफॉर्म अपना खड़गपुर में ही है, जो कि इसको इंडिया का तीसरा लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन, लॉन्गेस्ट स्टेशन बनाता है। बाकी 5 मिनट का स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का, 25 पे टाइम था लेकिन 37 पे पहुंच रही है, 10 मिनट डिले है हमारी ट्रेन खड़गपुर पे। देखिए बाकी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी हमारी ट्रेन, फिर हम अंदर जाएंगे उसके बाद हम डिनर करेंगे। बाकी खड़गपुर के बारे में बता दूं आपको, साउथ ईस्टर्न में पड़ता है ये जोन अपना खड़गपुर, ही है स्टेट अपनी वेस्ट बंगाल। तो चलिए चलते हैं डिनर करते हैं अभी। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ये को पैसेंजर आए हैं अपने सारे मुंबई जाने वाले हैं। एंड पीछे भी देखो भाई स्टेशन कोड KGP। हमने भाई खाना जो कि हमें 100 रुपये का पड़ा है, बिरयानी, अंडा बिरयानी। देखते हैं अब क्या है इसमें जो हमें 100 रुपये की लगा दी उसने। 2 अंडे हैं ये देखो, एंड ये चावल हैं। अब टेस्ट करके बताते हैं। सच में यार टेस्टी है, गर्म गर्म है, 100 रुपया वसूल हो गया। तो ये डाल लिया हमने अपना बिस्तर, और अभी जो हमारा तीसरा स्टॉपेज आएगा ना वो टाटा नगर आएगा, जो कि रात को 11:20 पे आएगा। तो यार अब थोड़ा सो लेते हैं, रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। सुबह है वैसे, बहुत सारे हमने स्टॉपेज कवर करने हैं, जितनी स्टॉपेज हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह का टाइम हो रहा है भाई 7:30, और मैं उठ चुका हूँ। आलू बड़ा समोसा, आलू बड़ा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 7:56, यानी कि 7:56 हो रहे हैं, और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, इससे पहले एक स्टॉप था बिलासपुर जंक्शन, जो कि हमने स्किप कर दिया। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के बाटपारा रेलवे स्टेशन पे। छोटा सा स्टेशन है, 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। देखिए हॉन्ग हो चुका है अपनी ट्रेन का बाटपारा से, छोटा सा स्टेशन है ये, ऐसे गांव गांव सा प्रतीत होता है। चाय चाय चाय। आराम से, आराम से। अरे अपना तो गाड़ी वहाँ रखो, आराम से देखने चलना जाए गाड़ी। नहीं नहीं, आराम से। मैं तो चल नहीं पाऊंगा भाई। हाँ
यहाँ से चलना पड़ता होगा ना, तो दोस्तों हावड़ा से 827 827 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी में, जो है अपना रायपुर, और इसका स्टेशन कोड है R, और ये हमारी ट्रेन का 12 यानी कि 12वां स्टॉपेज है। जो अपना रायपुर है ये वाइब्रेंट ऑफ स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 200+ स्टील मिल्स हैं, यहाँ पे स्टील बनती है। ये सब काफ़ी नहीं है, स्टनिंग लेक्स मिलेंगी, एनिशेंट टेंपल्स मिलेंगे। यहाँ का एक बहुत ही फेमस टेंपल है माँ दुधाधारी टेंपल, जो कि बहुत ही भयानक पहाड़ी पर है, एंड वो डेडिकेटेड है लॉर्ड रामा को। तो बाकी यही अपना रायपुर, स्टेशन कोड केवल एक ही है इसका R। एंड देखिए 5 मिनट का स्टॉपेज था हमारी ट्रेन का रायपुर में, यानी कि 8:45 पे टाइम था, लेकिन 8:57 पे पहुंची है, 50 पे चलना था इसको। देखिए यात्री कैसे उतर चुके हैं यहाँ से सारे के सारे, एंड अभी भूख नहीं है तो हमने सोचा कि आगे करते हैं इससे थोड़ी आगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे हम। एंड ये अपना रायपुर, ये भाई अपने वो देख रहे हैं, भाई कहाँ जाना है, हुसनपुर उड़ीसा का, क्या नाम है, ये अपने बबलू भाई हैं उड़ीसा के, तो ये जा रहे हैं हुसनपुर। अच्छा अच्छा 11 बजे, ठीक है भाई बाय। सो दोस्तों जो अपना रायपुर है छत्तीसगढ़ की कैपिटल, इसके अगर एरिया की बात करें तो 226 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई एक सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 10.1 लाख 2011 के सर्वे के मुताबिक। बाकी 7 प्लेटफॉर्म का ये जंक्शन है, और ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से जाती है अपनी तितलागढ़ जंक्शन को, और एक जाती है अपनी गोंडिया नागपुर वाली लाइन, और उसी लाइन पे हमारी ट्रेन जाएगी। कितने का है, 30 का 2 एक कितने का है, 15 रुपये का। देखिए अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है रायपुर से, ले लिया हमने केक, जो कि इसी स्टेशन से लिया है, किसी का जन्मदिन नहीं है लेकिन हमारा मन हुआ खाने का तो भाई खा लेते हैं, 15 रुपये का पड़ा। हाँ दोस्तों टाइम हो रहा है 9:40, और अपनी ट्रेन अपने सही टाइम से यानी कि राइट टाइम से चल रही है, और पहुंच चुकी है दुर्ग। जी हाँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिला है, जिसका जो कि हमारी ट्रेन का एक स्टॉपेज है, जिसका स्टेशन कोड है DURG, और 5 मिनट का स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का 9:40 पे टाइम था, लेकिन 9:40 पे ही राइट टाइम पे हमारी ट्रेन ने हमें दुर्ग पहुँचा दी है। बाकी देखिए पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं। सो जो दोस्तों जो अपना दुर्ग है ये शिवनाथ नदी के ईस्ट पर बसा हुआ एक सिटी है, एंड यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा अर्बन पॉपुलेशन वाला बड़ा सिटी यानी कि एरिया है यहाँ पे। दोस्तों दुर्ग जंक्शन भी अपना जंक्शन क्यों है, क्योंकि दुर्ग से एक ब्रांच लाइन डाइवर्ट होती है, जो अपनी केवटी वाली मतलब एक गांव देहात वाली लाइन है, और 6 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, काफ़ी बिजी स्टेशन है अपना दुर्ग। बाकी देखिए दुर्ग, यहाँ पे संतरे सेब काफ़ी बिक रहे हैं, केले 20-20 रुपए में केले बिक रहे हैं।
करते हैं ही नहीं है यार। नहीं हो गया आपके पास चेंज नहीं है यार, कर दे यार प्लीज यार। तो भाई यहाँ पे क्या लफड़ा हो गया यार, 500 की कोई चेंज ही नहीं दे रहा है। देखो भाई 500 की चेंज होगी आपके पास? चेंज दे दे यार, संतरे ले लूंगा तेरे मैं। बात सही है, ले ले भाई तू दो डोले से। हाँ कितने का है? 50। हाँ पकड़ो देख ले सारे में 50 पूरी के लिए। ये कितने का? 50 का है। साफ सफाई की बात करें तो देखिए साफ सफाई हो रही है अपनी ट्रेन की दुर्ग जंक्शन पे। काफी कचरा निकाल रहे हैं एंड भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है। ट्रेन तो 9:53 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है दुर्ग से। यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम था 9:45 पे, सो 8 मिनट लेट डिपार्ट किया अपनी ट्रेन ने दुर्ग जंक्शन। रेलवे सुरक्षा पोस्ट दुर्ग RPF। हावड़ा से लगभग 895 किलोमीटर का हमारी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के 15वें स्टॉपेज पे जो अपना राजनांद गांव। और भाई इसका स्टेशन कोड है RJN। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि रूट पे बिना टिकट के यात्रा करने की सोचना भी मत, क्योंकि हर एक स्टॉप पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है भाई, फाइन पूरा मतलब कट रहा है। देखिए देख लो भाई ये होता है बिना टिकट के यात्रा करने का, 5,300 रुपया फाइन, लेकिन कट ऑफ करके 3,000 कुछ रुपीज बात। ना एयरफोन चार्ज है, लूडो का जाल, डाटा केबल, पॉकेट ब्रश। ट्रेन नंबर लिखिए 12810। लिख दो कुछ भी, ये थोड़ा कम है। क्या खाने में? अरे अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी।
अंडा बिरयानी कितने की? 70 रुपए का। और वेज? वेज 60 रुपए का। गर्म है ना? गर्म है ना? गर्म आधे घंटे पहले का। वेज दो वेज। सो दोस्तों, वेलकम यू इन महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के 17 स्टॉपेज जो है अपना गोंदिया जंक्शन। जी हाँ, इसका स्टेशन कोड सिर्फ जी है और गोंदिया को राइस सिटी यानी कि चावल के शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिल्स हैं चावल की, राइस की, एंड प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। जो अपना गोंदिया है, ये एंट्री द्वार है अपना महाराष्ट्र का और इसके पास पास में जो बॉर्डर है अपने छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। बाकी 2 मिनट का स्टॉपेज था लेकिन 25 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन गोंदिया जंक्शन पे। क्या हो गया? अरे बच्चे डाल दिए थे और उसकी बीवी और उसका वो बचा हुआ था सामान बचा हुआ था। अब उधर डाल दिया पहले। अच्छा अच्छा, बच्चे भी उठा दिया, बच्चे भी डाल दिया था, उसकी बीवी ट्रेन नहीं रुकी है यार, है ना, किसी के लिए भी। बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, टल गया, थैंक गॉड। हुआ क्या कि एक आदमी था, उसने पहले अपना सामान चढ़ाया, उसके बाद अपना बच्चा चढ़ाया, जब वो खुद भी चढ़ गया एंड बीवी छोड़ गई, फिर भाई वो चढ़ा एंड उतरा, ये सब मतलब बच गए। लेकिन तो खा लेते हैं अभी खाना, सिंपल बिरयानी बढ़िया है भाई। क्या हो गया? पटना भैया, भंडारा रोड। तो दोस्तों, 1067 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 19वें स्टॉपेज पे जो आप भंडारा रोड, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पे भंडारा होता है या क्या होता है वो मुझे कुछ नहीं पता है। फिलहाल यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 35 मिनट डिले आई है। तो मतलब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब आपको सीधा पार्ट 2 में मिलेंगे इसके, क्योंकि यार इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो आप देखते नहीं हो। फिर हावड़ा मुंबई मेल के पार्ट 2 में मिलेंगे आपको। पार्ट 2 में आपको क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे डायमंड क्रॉसिंग। जी हाँ, इससे जो अगला स्टॉप आएगा भंडारा रोड से वो नागपुर आएगा। नागपुर में हमारी डायमंड क्रॉसिंग है, बहुत बढ़िया मतलब देखने में लगती है, वो इसके पार्ट 2 में दबाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना कंजूस मत बना करो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत लगती है जर्नी करने में, आप एक लाइक नहीं करते हो, ठीक है? लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा दो, इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर लो अगर जानना चाहते हो कि मैं कहाँ हूँ एवरी अपडेट के लिए। सो बाय बाय।